तो ये देखें, ये सारा मुंह उसने चला, ये क्या भूत बना हुआ है। चूल्हे की बुनियाद जो है ना वो रख दी है। अब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं, और अल्लाह पाक की पाक बार का मैं दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे व्यूवर्स को खुश रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो मज़ीद आगे वीडियो में जाने से पहले, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है ऑलरेडी, और जो हमारा ये चूल्हे का बिजनेस है ना, ये माशाल्लाह से खूब चल रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और ये हमारा चूल्हा जो है ना ये मुकम्मल हो गया है, और ये दुआ फातिमा ने इसमें फीडर का कैप जो है ना इसमें डाल दिया है। तो इस तरह बच्चे जो है ना इनके साथ खेलते रहते हैं। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, सूखकर मज़ीद इसका कलर जो है ना वो अच्छा हो गया है। ये बहुत ही अच्छे इसकी इनकी वीडियो पे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, और ये बिल्कुल जो है ना देखने भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसके आगे जो है ना मज़ीद हम और कुछ वीडियोस इस तरह की बनाएंगे। तो ये चूल्हे का काम जो है ना, ये इस तरह के वीडियो हम बनाकर अपलोड करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप बहन भाई जो है ना हमारी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी पड़े हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि ये काम जो है ना वो ठीक है। तो इस तरह का आप क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ये रोटी के टुकड़े जो नीचे गिरे थे ना वो उठा रही हूँ। अच्छा, ये कबों को डाले थे? हाँ, वो चले गए इधर से, सीरत फातिमा और दुआ फातिमा खेल रही थी ना। अच्छा, तो बेगम साहिबा ने सुबह सुबह जो है ना कबों को रोटी डालती हैं, जब रोटियां बनाती हैं ना तो उस वक्त छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके वो कबों को डालती हैं, तो वो आते हैं और खाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो दुआ फातिमा और सीरत फातिमा क्या कर रही हैं? वो नहा रही सुबह। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चों की जो है ना मौज मस्तियाँ कैसी चलती हैं। और ये देखें, दुआ फातिमा कढ़ाई में बैठी हुई नहा रही है, और सीरत फातिमा ने भी पाइप चलाया हुआ और कपड़ों से मैच नहा रही है। वैसे आप मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी जो है ना ये बच्चों की मौज मस्ती वो चलती रहती, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी इसलिए बच्चों ने नहाना शुरू कर दिया है। आज जो है ना मैंने शाम को देखा था, हमारी यूपीएस की जो बैटरी है ना इसमें पानी वो बहुत कम हो गया था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, तो ये पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो इससे जो है ना प्लेट्स वो खुशक हो जाती हैं और वो टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए जो है ना अब इनमें डालते हैं पानी। ये बाकी सेल जो है ना ये देखिए इसमें भी पानी बहुत कम हो गया है, धूप निकल आई है, ऊपर सोलर प्लेट्स जो है ना लगी हुई है ना, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये देखिए पानी के जो है ना इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो ये इसकी निशानी होती है, जब इसमें पानी में बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं ना तो उस वक्त जो है ना सोलर ये चार्ज करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें पानी डालते हैं। पानी मखसूस लेवल तक जो है ना वो डालते हैं, जहाँ पे इसका लेवल दिया हुआ है, इससे जो है ना इसकी चार्ज वो बेहतर हो जाती है, टाइमिंग इसकी बैकअप जो है ना वो बेहतर हो जाता है। तो ये पानी इसका जो है ना, ये पानी वाली बैटरी का पानी वगैरह चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ीद जो है ना इसकी बैटरी की लाइफ जो है ना ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, तो पानी ऑलरेडी इसमें ओके कर दिया, ये देखिए बबल कितने बनना शुरू हो गए, इसका जो लेवल होता है ना उसके बराबर जो है ना पानी ये सारा कर दिया है, तो अब इसकी जो है ना ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इसका जो है ना इसको चेक नहीं किया था। अम्मा जी जो है ना वो क्या कर रही हैं? और झोली में डाला हुआ है जी रोटी के टुकड़े, ये कबों के लिए जो। अच्छा, तो अम्मा ने कबों के लिए जो ना वो रोटी बोल कर रखी हुई है, तो कबे अब खा कर एक दफ़ा चले गए हैं, हूँ नहीं आते, एक खा के चले गए ना, हूँ नहीं आते, खा तो भग गए ना, हूँ नहीं आते, छाते साटते हो छाते। अच्छा, एक दफ़ा जो है ना कबे खा कर चले गए हैं, और अम्मा जी आप इंतज़ार में बैठी कि आप कबे आएंगे तो उनको मैं रोटी मजीद डालूंगी, तो लेकिन आप कबे जो है ना वो नहीं आने के। एक ही था सीरत फातिमा के काम, देखिए दुआ फातिमा आप भी जो है ना वो नहा रही है। और ये जी हमने कल लिया है बड़ोला, ये कबाड़ में, इसको बड़ोला बोलते हैं पंजाबी में, इसमें गंदम के दाने जो है ना रखे जाते हैं। तो कल कुछ इसकी सेटिंग वगैरह की है, पहले ये ज़्यादा ख़राब था और इसकी सेटिंग वगैरह की है, ये रिपट वगैरह इसको लगाए हैं, तो ये इसका दरवाज़ा ओके किया है, और ऊपर इसका जो है ना यहाँ पे ये इसका ख़राब था, ये सारा जो है ना डेंट पी हुए थे, तो वो डेंट वगैरह इसके सीधे किए हैं, तो अब ये कुछ काफ़ी बेहतर हो गया है। तो ये हम
जो अच्छे से गाहक इसका लग जाएगा तो इसको बेच देंगे, या मेरी सलाह इसको OLX पे डाल दें, वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाएगा। हाँ आपके कपड़े निकाल रही, तो बस ठीक है आप कपड़े चेंज कर लो, ठीक हो गया। तो मैं अब जो है ना ये करता हूँ कि अब सोलर प्लेट से वो बाहर निकालता हूँ, तो क्योंकि गर्मी महसूस काफ़ी हो रही है। हमारी सोलर प्लेट्स हैं, एक मैं इस्तेमाल करता हूँ, दूसरी घर बच्चे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो सारा दिन ऐसे ही वो काम चल जाता है। ओ नया भाई ये देखें, ये दुआ फातमा भी इधर तो देखो, इधर माशाल्लाह दुआ फातमा, दुआ फातमा ने भी चेंज कर लिया माशाल्लाह से। और ये देखें ये कितना निक्का सा सोना सब छोटा सा बाबू बन गया है। ये तो हम गए थे दीपालपुर सिटी और जब कुछ काम था, तो जब वापस आए ना तो घर में क्या देखते हैं, क्या अजीब हुआ पड़ा है, तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखें ये जी सीरत फातमा हमारी मटकोरानी, इसके ने ये देखे क्या लगाया मुँह पे, अंश ने क्या लगाया है, ये क्या लगाया है सुरम, हाँ क्या लगाया है, क्या लगाया है इसने, हाँ है किट लगाई है, मेकअप वाली किट लगाई है, सुरमा लगाया उसने। तो ये देखें ये सारा मुंह उसने चला, ये क्या भूत बना हुआ है जी। तो दोपहर का खाना वगैरह हम खाकर फारग हो चुके हैं, भूख काफ़ी लगी हुई थी, सुबह से गए हैं और काफ़ी जो है ना एक इम्पोर्टेंट काम था जो आज हमारा माशाल्लाह से हो गया है। और घर पहुंचे तो बेगम साहिबा ने आते ही जो है ना नया काम शुरू कर दिया है, इन्होंने नए चूल्हे की बुनियाद जो है ना वो रख दी है। अब ये कौन सा चूल्हा बनाने लगे हैं और किस तरह का बनाने लगे हैं, सर्दियों में जो आग जलाएंगे ना, हाँ अंदर कमरे में बच्चों को रख कर देंगे इसमें सेकने के लिए, सिर्फ आग सेकने के लिए ये बना रहे हैं, ये नहीं ये सालन वगैरह के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। अच्छा इसमें सिर्फ आग सेकने के लिए, तो ये जी सिर्फ आग सेकने के लिए ना, क्योंकि असल में आजकल मौसम गर्मी का है, तो गर्मी के मौसम में सर्दी बस शुरू होने वाली है, तो उससे पहले पहले जो है ना गर्मी के मौसम में ये खुशक अच्छी तरह से हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना हमने सोचा कि सर्दियों का इंतज़ाम पहले करना चाहिए सर्दियों का इंतज़ाम जी अभी से किया जा रहा है, तो ये तकरीबन सुबह तक हो जाएगा तैयार, हाँ तो सुबह तक ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये अंगीठी टाइप आप इसको कह सकते हैं कि ये अंगीठी जो है ना बनाई जा रही है, वो तैयार की जा रही है आग सेकने वाली। हाँ और ये भी मज़े की बात है, टूटे हुए घड़े के ऊपर जो है ना आज हमारे चूल्हे शुरू हमने किए हैं, तो घड़े जो है ना वो भी नायाब हो गए हैं, टूटे हुए घड़े पहले आम मिल जाते थे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो टूटे हुए घड़े भी आम नहीं मिलते, वो भी नायाब हो गए, वो भी बाजार से मुश्किल से मिलने लगे। हाँ पहले बिल्कुल आम मिल जाते थे ना, टूटे घड़े कहीं ना कहीं गिरा हुआ मिल जाता था, लेकिन अब वो जो है ना बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं।